हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज के न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको महाकाल के मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। ये बहुत अद्भुत मंदिर है और इतना बड़ा मंदिर है कि इसको आप एक भूल भुलैया का नाम दो तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें ये नहीं पता चलता कहाँ से हम घुसे हैं, कहाँ हमें निकलना है। तो इसे हम एक भूल भुलैया का स्थान भी कह सकते हैं। तो चलिए, बहुत अद्भुत दर्शन होते हैं। तो अब मैं आपको मंदिर की सैर कराती हूँ। हमारे डिलीट कर दे।
डिलीट कर देगा, सबसे पहले बात करना है आज। तस्वीर हड़े बना दी मेरी मेरा बना दोनों ले ले तो दोनों ही ले लो उतारना। हर्षिता की तरफ अभी भी इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन सावन के महीने में तो यहाँ इतने लोग एकत्रित हो जाते हैं कि टस से मस होना मुश्किल है। इसलिए अगर आपको यहाँ जाने का अवसर मिले तो सावन के महीने में न जाकर आगे पीछे ही जाएं, ताकि आप वहाँ घूम करके पूरा आनंद उठा सकें। सावन के महीने में तो भयंकर भीड़ होती है, यहाँ महाकालेश्वर के दर्शन करना ही मुश्किल हो जाता है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अगर आपको अवसर मिले तो अवश्य जाइए और इस अद्भुत मंदिर के दर्शन कीजिए। इस मंदिर में चार समय आरती होती है। एक भस्म आरती सबसे बेस्ट आरती होती है, जो सुबह 4 बजे होती है, और उसके लिए पहले दिन बुकिंग करनी पड़ती है, जिसकी टिकट 150 से 300 रुपये तक का चार्ज लगता है। तब जा कर के हम 4 बजे उस भस्म आरती में आप शामिल हो सकते हो। उसके बाद 9:30 बजे सुबह आरती होती है, फिर शाम को 4 बजे आरती होती है, और फिर 7:30 के बीच फिर आरती होती है। तो इस प्रकार से इस मंदिर में 4 प्रकार की आरती होती हैं, और शाम के समय तो यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। पूरा उज्जैन शहर के लोग अपने घरों से और अपनी दुकानों को छोड़ करके बाहर रोड पर आ जाते हैं आरती करने के लिए। मंदिर के चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, जो पूरे शहर में दिखाई देती हैं। तो वहाँ आरती इतनी ज़बरदस्त होती है कि अगर आपको वहाँ जाने का अवसर मिले तो शाम की आरती में और सुबह 4 बजे वाली आरती में अवश्य शामिल हो जाइए, ताकि आप वहाँ का लुत्फ़ उठा सकें। मंदिर के अंदर, ये तो बाहर का ही परिसर है, मंदिर के अंदर जाने के लिए फ़ोन ले जाना वर्जित है, इसलिए वहाँ अंदर जा कर के तो और भी शानदार
शिव के दर्शन होते हैं, लेकिन वहाँ हम फ़ोन नहीं ले जा सके, इसलिए ये तो सिर्फ आपको बाहर का ही प्रेशर दिखा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।